हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजनेट प्रो पे। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है और आप ये कहेंगे कि सर आपने क्लास पहले क्यों नहीं बनाई। दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड में बस आप ये 5 कीवर्ड देख लेना और पेपर फर्स्ट में आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे और मेरा पूरा दावा है जिंदगी भर याद रहेंगे ये टॉपिक आपको। और हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे 2012 से लेके 2023 तक हर बार आए हैं ये 5 क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2023 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022-23 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000 से 8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है। तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट वे में काम करें तो हमारा नेट और जीआरएफ एक ही बार में क्लियर हो सकता है। हम क्या करते हैं कि थ्योरी को रटते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है एग्जाम में जो बार बार रिपीट होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पे हमें ध्यान देना होता है। अगर हम उनको देख ले तो हमारा नेट जीआरएफ क्लियर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको यही कुछ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, इससे रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन आए हैं और इसमें क्या कीवर्ड है जो हमें ध्यान रखने हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो दिखा देता हूँ और उसके बेस पे आपको किस तरह से क्वेश्चन करने वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इम्पोर्टेंट कीवर्ड फॉर बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च इसके अंदर क्या है, जो हमारा बेसिक रिसर्च होता है दोस्तों इसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो हमारे कीवर्ड रिपीट होते हैं बार बार, वो टर्म्स रिपीट होते हैं, वो होती है प्रिंसिपल और थ्योरी इन्वेंशन। इसके अंदर जैसे आपको पता है बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च के अंदर हम किसी थ्योरी का निर्माण करते हैं और या फिर किसी सिद्धांत को उत्पन्न करते हैं, उसको बनाते हैं हम, ठीक है। तो ये दो चीज़ रिपीट होती है इसके अंदर, प्रिंसिपल और थ्योरी, इसका आविष्कार किया जाता है, उसे बनाया जाता है, ठीक है। और जब हम किसी थ्योरी को और किसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, जैसे मान के चलिए गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ने बनाया, न्यूटन ने बनाया था, और उसको जब हम अप्लाई करते हैं एरोप्लेन बनाने में, तो वो क्या होगा, हमारा अप्लाइड रिसर्च होगा। जब हम किसी थ्योरी को और प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, हमारा अप्लाइड रिसर्च होगा। अब आपको बस ये दो कीवर्ड याद रखने और इसी बेस पे आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों दिसंबर 2013 के अंदर आया था और इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन को हम देखते हैं और फिर आंसर करते हैं। मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में किस में उपयोग किया जाता है, ये देखिए द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन, अभी मैंने आपको बताया ना जो थ्योरी है और प्रिंसिपल उसको यूज करते हैं तो किस तरह की रिसर्च होती है हमारी, क्या रिसर्च होती है, अभी बताया मैंने। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका राइट आंसर, वीडियो आप रोक सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अप्लाइड रिसर्च, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना जल्दी आंसर हो रहे हैं ना, हमें छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं वो याद रखने हैं। और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी जितनी भी रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, सभी रिसर्च आप एक सेकेंड के अंदर क्लियर कर देंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हम देखते हैं, ये है हमारा स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट 1 और 2,
फंडामेंटल रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रूथ एंड प्रिंसिपल ऑलरेडी एस्टेब्लिश। ये देखिए इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि जो मौलिक अनुसंधान है उसके अंदर हम जो पहले से हमारे सिद्धांत बनाए गए हैं उनको उनकी जांच करते हैं, क्या वो सही है क्या वो गलत है उनकी हम जांच करते हैं। तो क्या ये बात सही है दोस्तों? नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी बनाई जाती है, ना कि इसके अंदर जांच की जाती है। इसमें जांच नहीं की जाती, इसके अंदर जो है थ्योरी बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, इसका जो हम आंसर देखते हैं, आंसर क्या है इसका? आंसर 4 यहाँ पे दिया है, स्टेटमेंट 1 इज इनकोरेक्ट। देखिए ये गलत हो गई। गलत क्यों हो गई? मैंने आपको बताया था ना, इसके अंदर प्रिंसिपल और थ्योरीज बनाए जाते हैं, ना कि उनको टेस्ट किया जाता, ठीक है? तो इस तरह से आपको ये देखना है। और आगे हम देखते हैं इससे कैसे हमारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए टीचर प्रपोज टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ प्रेज एंड एनकरेजमेंट ड्यूरिंग ए टीचिंग लर्निंग सेशन। ये देखिए, जो टीचर है वो इफेक्ट जानना चाहता है बेस्ड ऑन स्किनर्स थ्योरी। स्किनर्स थ्योरी का टीचिंग एंड लर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो हमें देखना है। अब देखिए हम करके आए थे ना, थ्योरी का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पे किस तरह की हमारी थ्योरी होती है, वो क्या होती है दोस्तों? अप्लाइड रिसर्च हमारा वहाँ पे होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला हम देखते हैं दोस्तों, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च से हमारे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है। चलो दोस्तों, हमारे पास एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च से देखते हैं हमारे किस तरह से क्वेश्चन आए और किन कीवर्ड्स को हमें ध्यान में रखना है। देखिए एक्शन रिसर्च में हमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक्शन रिसर्च के अंदर क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक शोध, जहाँ पे किसी वर्क करने की इमीडिएट एप्लीकेशन की बात हो, कुछ समाधान निकालना हो, जल्दी से जल्दी समाधान निकालना हो, तो वहाँ पे एक्शन रिसर्च का उपयोग किया जाता है। इसमें जो कीवर्ड्स हैं हमारे, इमीडिएट एप्लीकेशन और वर्क, यहाँ पे जहाँ पे जल्दी तत्काल वर्क करना हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा? एक्शन रिसर्च। उसके बाद है एनहांसमेंट, यानी कि उसको कुछ एनहांस करना हो, उसको इम्प्रूव करना हो, ठीक है, इम्प्रूवमेंट और एनहांसमेंट एक ही बात है। एनहांस करना हो किसी चीज़ को, इम्प्रूवमेंट करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो, तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा? एक्शन रिसर्च होगा, ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव मॉडिफिकेशन करना हो। और ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है दोस्तों। एक्शन रिसर्च जो होता है वो हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है? प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, ये हमारे 4 स्टेप होते हैं। ये 4 स्टेप आप याद रखना, और यही स्टेप हमारे बार 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 इस रिसर्च के अंदर चलते रहते हैं, इस वजह से इसको साइक्लिक रिसर्च कहते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है एक बार फिर से हम देख लेते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे हमारे क्वेश्चन आगे आएंगे। सबसे पहले दोस्तों इमीडिएट एप्लीकेशन और वर्क, उसके बाद है एनहांसमेंट, इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन, ठीक है, एनहांसमेंट, मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट। उसके बाद में हमारा साइक्लिक प्रोसेस, और जो हमारे स्टेप है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये हमारा इसका प्रोसेस है। अब देखिए इस बेस पे हमें किस तरह से क्वेश्चन करने हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आंसर जो है हाइड कर देता हूँ। ये देखिए, जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता वह कहलाता है। अब आ गया ना भाई, द रिसर्च दैट एम एट इमीडिएट एप्लीकेशन, जो तत्कालिक समाधान चाहता है उसे किस तरह का रिसर्च कहते हैं। तो अभी हम करके आए ना, इसका क्या राइट आंसर आएगा? एक्शन रिसर्च इसका राइट आंसर दोस्तों आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। आगे हम देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभाग को अभिवृत्त करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। अब देखिए, आपको ये पूरी राम कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको कीवर्ड फाइंड आउट करना है, ठीक। और कीवर्ड मैंने आपको पहले बताए थे, मॉडिफिकेशन, एनहांसमेंट, इम्प्रूवमेंट, वो चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? ये देखिए, अभिवृत्त करना, ठीक है, उसको बढ़ाना, बढ़ावा देना, एनहांसमेंट की बात आ गई है देखिए, ठीक है, एनहांसमेंट की बात आ गई। एनहांसमेंट किसके अंदर होता है हमारा? एक्शन रिसर्च में होता है भैया। तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका? एक्शन रिसर्च राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप फोकसेस ऑन एमेलियोरेटिंग द
प्रीविलिंग सिचुएशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थिति में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब सुधार की बात किस में की गई थी, मॉडिफिकेशन की बात किस में की गई थी, एक्शन रिसर्च के अंदर की गई थी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्शन रिसर्च इसका राइट आंसर आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कब कब आया हुआ है। ये देखिए 2017 में आया है, पिछला क्वेश्चन जनवरी 2017 में था, ये नवंबर 2017 में आया है, और इससे पहला जून 2012 में आया था, और 2022-23 में क्वेश्चन जो आए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, 21 में जो क्वेश्चन आए वो भी हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहना जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा है इसके अंदर, ये तो हमने कर लिया, उसके बाद में है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाई द करेक्ट सीक्वेंस इन एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च की करेक्ट सीक्वेंस क्या है वो हमें बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, हमने अभी किया था ना, मैंने आपको प्रोसेस बताई थी एक्शन रिसर्च की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया समुच्चय क्रियात्मक शोध चक्र का सही निरूपण है। ये देखिए इन्होंने क्या पूछा है, एक्शन रिसर्च साइक्लिक, ठीक है। अब इन्होंने वही स्टेप यहाँ पे पूछ लिए, पिछला क्वेश्चन ये देखिए, जो पीछे क्वेश्चन था ये हमारा कब आया था, दिसंबर 2018 में आया था, और यही क्वेश्चन हमारा क्या है, जून 2019 के अंदर रिपीट हो गया है। तो इस क्लास में हम आपको रिपीट होने वाले क्वेश्चन भी बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। तो आ रहा है ना मजा दोस्तों, अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, किस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थिति में भी सुधार की संभावना है। अब देखिए सुधार, सुधार इम्प्रूवमेंट है ना, इम्प्रूवमेंट मॉडिफिकेशन और एनहांसमेंट किसके अंदर होते हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर होते हैं मैंने बताया था है ना। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। मैं आपके सभी क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ, आंसर का वेट कर रहा हूँ, और जो जो दोस्त राइट आंसर देगा उसे मैं थाईलैंड लेके चलूंगा, ट्रिप जा रही है हमारी, हम जी जरूर लेके चलूंगा मैं, ठीक है। राइट आंसर बताइए, हम घूमने चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शोध चक्रीय प्रकृति का है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर। साइक्लिक जो हमारा रिसर्च है वो कौन सा होता है, मैंने बताया था ना क्या है। और ये देखिए ये हमारा कब आया है, 2 दिसंबर 2019 को ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। और इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों वो आपको बताना है, तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और थाईलैंड की टिकट बुक कीजिए, हमारे साथ चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, ये हम देखते हैं इसमें किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों में सुधार की योजना बनाता है इसकी योजना बनाता है सुधार करने की, इम्प्रूवमेंट की। अब देखिए कई बच्चे होते हैं ना जो पढ़ते नहीं हैं, आप में से भी कई ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ते नहीं हैं यार, जो चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, उनकी कुटाई करनी पड़ती है, उनकी हड्डियों में मसाला भरना पड़ता है। अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, मैं आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी आपने नेट जीआरएफ नहीं किया ना, तो मैं आपको सुधार दूंगा, ठीक है, मुक्का मारूंगा आपके पीठ में, ठीक है। तो सुधारूंगा, सुधारने से वहां पे किस तरह की हमारी रिसर्च होगी भैया बताओ, जहां पे बच्चे की कुटाई की जाती है, ठीक है, और जहां पे सुधारा जाता है बच्चे को, वहां पे किस तरह की रिसर्च होती है हमारी बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर दो जल्दी से जी। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक्शन रिसर्च हमारा यहाँ पे होगा, एक्शन होता ना बच्चे पे, एक्शन होता है, रुक जा तना काम नहीं किया, रुक जा तना मैं तोड़ूंगा। पहले पिटाई होती थी, पहले स्कूल में बहुत बहुत पिटाई होती थी, अब नहीं होती जी। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर ये फिर से आ गया प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, यही क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कीवर्ड को देखना है, उसमें क्या कीवर्ड आ रहा है। अब ये देखिए ये यहाँ पे आ गया फिर से, कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को सुधारना है।
है, क्या करना है, सुधारना है, क्या चीज हमने देखी है। हमने पूरी राम कहानी नहीं पढ़ी है, ठीक है, हमने सिर्फ एक चीज देखी है, सिर्फ एक चीज इंप्रूवमेंट, इंप्रूव करना, ठीक है। और जहां पे इंप्रूवमेंट की बात होगी वहां पे क्या होगा, हमारा एक्शन रिसर्च होगा, है ना। तो दोस्तों आपको सारी राम कहानी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ कुछ शब्द है उनको देखना है, कीवर्ड्स को याद रखना है, बस आपका क्वेश्चन राइट हो गया। तो यहाँ पे जहाँ पे इंप्रूवमेंट हो वहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, एक्शन रिसर्च आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए ये देखो, आलू बेचने वाला आ गया, ये भी इसे भी सुधारना पड़ेगा, क्लास रिकॉर्डिंग नहीं करने देते ये, कभी आलू ले लो, गोभी ले लो, कबाड़ बेचने वाला आ जाता है, कभी क्या करें यार। चलो कोई नहीं, हम अपना काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित चक्रीय प्रकृति और सुधार पर केंद्रित है। ये देखिए इसमें क्या कहा का? क्या कहा गया है, साइक्लिक इन नेचर एंड इम्प्रूवमेंट। ये देखो दोनों चीज पूछ ली ना इसने, कि ऐसा कौन सा शोध है जो साइक्लिक भी है और जिसमें इंप्रूवमेंट की भी बात की जाती है, तो वहां पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, और ये क्या होगा, इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिखिए। थाईलैंड के लिए हमारी एरोप्लेन बुक हो रही है, जल्दी से चलेंगे इसमें जी। तो राइट आंसर ये देखिए, राइट आंसर बताओ जल्दी से। और ये देखिए आप देख सकते हैं 25 सितंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, हमने बहुत तैयारी की है दोस्तों आप सभी के लिए, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लेके आए हैं आप सभी के लिए, आप सभी को हम जीआरएफ दिलवा के रहेंगे दोस्तों। हमारा सिर्फ एक टारगेट है, हम जीआरएफ लेके रहेंगे, ठीक है, और इसके लिए हमने बहुत सारी मेहनत की है जी। और दोस्तों आगे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर ये कहा गया है कि एक्शन रिसर्च इज साइक्लिक इज सो फॉर एज इट इन्वॉल्व प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, कथन अभिकथन है। तो ये बताइए सही है या गलत है। ये देखिए साइक्लिक इन नेचर हम करते हुए आ रहे हैं, और प्लान एक्ट ऑब्जर्व ये भी हम करते हुए आ रहे हैं, बार बार चीज़ें करते हुए आ रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला है, पर्पज ऑफ एक्शन रिसर्च इज डेवलप ए थ्योरी, ये बताइए क्या सही है, क्या ये बात इसकी, एक्शन रिसर्च का पर्पस थ्योरी को डेवलप करना है क्या, थ्योरी को डेवलप किसमें करते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, थ्योरी को डेवलप किसमें करते हैं, सारी चीज़ें हम करके आए हैं, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों क्या होगा जी। तो इस स्टेटमेंट का कौन सी, ये आंसर क्या होगा इसके अंदर, एक दो तीन चार, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या सही है क्या गलत है। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमने किस तरह से आपके लिए तैयारी कर रखी है। और आगे हमारा क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा में क्रियात्मक शोध के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क दिया जा सकता है। अब देखिए इसका जो लास्ट ऑप्शन है ना वो हम देखते हैं। देखिए शैक्षणिक स्थिति और शिक्षा के अभ्यासकर्ता में बेहतरी के लिए परिवर्तन होता है, ये देखिए चेंज फॉर बेटर, ये देखिए चेंज फॉर बेटर का मतलब क्या है, इंप्रूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, मॉडिफिकेशन की बात हो रही है ना, एनहांसमेंट की बात हो रही है, तीनों ही बातें हो रही है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, ये होगा हमारा एक्शन रिसर्च, किसी ने बात पूछी है भाई एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन है, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होगी, तो हमारी ऑप्शन नंबर 4 है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, और फिर से हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया जो हमारे स्टेप है एक्शन रिसर्च के, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। तो एक क्वेश्चन हमारा किस तरह से बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, आप ये आसानी से देख सकते हैं। और दोस्तों आगे हम फिर से बात करते हैं, और ये आप साथ के साथ देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है एग्जाम में, ये 12 नवंबर 2020 को आया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द रिसर्चर फ्रॉम विच विल बी एन अप्रोप्रिएट फिट फॉर इम्प्रूविंग ये एफिशिएंसी, इम्प्रूविंग की बात आ गई, इम्प्रूवमेंट की बात आ गई, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा राइट आंसर, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, एक्शन रिसर्च आएगा। तो दोस्तों देखिए हम आपको कितने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, चुन चुन के क्वेश्चन लेके आए, और चुन चुन के कीवर्ड निकाले आप सभी के लिए, एक एक कीवर्ड हमने निकाले आप सभी के लिए, कि कौन सा कीवर्ड आएगा तो क्या राइट आंसर आपका आएगा, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। ये देखिए ये चीज़ें बताई थी ना मैंने, हमने आपको एक्शन रिसर्च में कौन कौन से कीवर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन आप पढ़िए, ठीक है, रिसर्च के अंदर जहाँ पे मॉडिफिकेशन होने की बात आ जाए बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े आप आंसर दे सकते हैं,
है ना जी। तो दोस्तों इस तरह से हमने सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं, और हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार 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 एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका एक ही बार में नेट और जेआरएफ क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो आप हमारा ये कोर्स खरीद सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको ये सभी क्वेश्चन बताते हैं, मोस्ट रिपीटेड होने क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, और टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमने अलग किए हुए हैं। आज तक 2012 से लेके 2023 तक जो भी क्वेश्चन हमारे रिसर्च के आए हैं वो अलग है, टीचिंग के अलग है, आईसीटी के अलग है, सभी क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे जी। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सभी दोस्त इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करना, और बहुत ही कम फीस रखी हुई है, हमने 500 से लेके 1000 रुपये के बीच में इस कोर्स की फीस है। तो जल्दी से आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इन दोनों रिसर्च में कुछ कॉमन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इन दोनों रिसर्च में जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उनके बारे में। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ टू बी सिलेक्टेड रेदर देन मैनिपुलेट। अब ये एक लाइन है, इस लाइन को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ टू बी सिलेक्टेड रेदर देन मैनिपुलेट। स्वतंत्र चर के हेर फेर की जगह चुनाव किया जाता है। अब देखिए जहाँ पे हम कोई चीज़ है उसके अंदर हम कुछ बदलाव कर रहे हैं, हेर फेर कर रहे हैं, यानी कि उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, है ना। तो भाई ये चीज़ करके देखते हैं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे, उसके साथ क्या होगा, फिर क्या बदलेगा, क्या नया रूप आएगा इसका। तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा। हम किसी के अंदर छेड़छाड़ कर रहे हैं, हेर फेर कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे हमारी हेर फेर होगी, छेड़छाड़ होगी, वहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमारा वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जहाँ पे मैनिपुलेशन की बात करें, किसी भी चीज़ के साथ बदलाव की बात करें, उसके हेर फेर की बात करें, वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल की बात करें, तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ जाएगा। और लेकिन एक ऐसी चीज़ जहाँ पे हम उसके साथ हेर फेर नहीं करते, हेर फेर करने की जगह उसमें जैसा है वैसा हम उसे उठा के रख लेते हैं और उस पर हम देखते हैं, उस पर हम रिसर्च करते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, कोई हेर फेर नहीं किया जाता, तो वहाँ पे क्या आएगा, हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च आएगा। ये जो एक लाइन है दोस्तों आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक लाइन हमारी कई बार एग्ज़ाम में आ चुकी है और आगे भी आने की संभावना है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए स्वतंत्र चर के हेर फेर की जगह चुनाव किया जाता है, यानी कि जहाँ पे उसे चुनाव किया जाएगा ना, तो आएगा हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, और जहाँ पे हेर फेर किया जाएगा वहाँ पे आएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस लाइन के बेस पे हम देखेंगे किस तरह से हमारे क्वेश्चन आए हैं, और इसके बाद में एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ। जहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा वहाँ पे ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, कंट्रोल करना, मैनुपलेट करना, मैनुपलेट अभी मैंने बताया ना, उसको हेर फेर करना, ठीक है, और ऑब्जर्व करना, कंट्रोल करना, मैनुपलेट करना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व यानी कि उस पर निगाह बनाए रखना, भाई क्या चीज़ इसके अंदर चेंज हो रही है, क्या बदलाव हो रहा है, निगरानी रखना। ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ें जहाँ पे बार बार उपयोग होगी वहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वहाँ पे उपयोग होगा। चलिए अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड हमारे किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर विच टाइप ऑफ रिसर्च द एक्शन वर्ड कंट्रोल, मैनुपलेट एंड ऑब्जर्व, ये कहाँ पे बार बार उपयोग होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, ऑब्जर्व, मैनुपलेट और कंट्रोल कहाँ पे उपयोग होता है, हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये उपयोग होता है। तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए थ्रो विच रिसर्च मेथड द मैनुपलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बात आ गई ना, मैनुपलेशन यानी कि उसमें स्वतंत्र चर के साथ हेर फेर करना, स्वतंत्र चर के हेर फेर, ठीक है, एंड आश्रित चर पर इसके प्रभाव की जांच करना। तो ये क्या हो गया हमारा दोस्तों, और एक और चीज़, एक और कीवर्ड है इसके अंदर, कंट्रोल कंडीशन, यानी कि उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है, उसको मैनुपलेट भी किया जा रहा है हमारे स्वतंत्र चर को। तो वहाँ पे हमारा किस तरह का रिसर्च होगा, आगे हम बता के आए हैं, वहाँ पे होगा आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। और ये जितने भी मैं कीवर्ड्स बता रहा हूँ ना दोस्तों, आप एक काम करना, कोई भी बुक उठाना यूजीसी नेट की और ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना और उसमें क्वेश्चन करके देखना, और उनमें देखना ये कीवर्ड आपको ज़रूर मिलेंगे।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, जितने भी कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ वही कीवर्ड उसके अंदर आपको 95% मिलेंगे जी। करके देखना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब ये देखिए टेस्टिंग की बात आ गई ना, टेस्टिंग करना, टेस्टिंग हम किसके अंदर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी तो टेस्टिंग करते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमारा राइट आंसर आ जाएगा जी। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, द रिसर्च मेथड विच फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग कॉज रिलेशनशिप विद कंट्रोल कंट्रोल अमंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट। ये देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कंट्रोल करना, हमने बताया था ना कंट्रोल करना, किसी को ऑब्जर्व करना और मैनुपुलेट करना, ये तीन शब्द अलग अलग जगह पे यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कंट्रोल करने चीज़ों को हम, और कंट्रोल किसके अंदर हम करते हैं, कंट्रोल करते हैं हम एक्सपेरिमेंट के अंदर। आपने देखा होगा ना साइंस लैब के अंदर हम जाते थे तो इतना हमने ये केमिकल मिला दिया, इतना ये मिला दिया, इसके अंदर जो आग है वो इतने डिग्री रखनी है, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल के जरिए चलती थी ना एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे फिर से वही बात आ गई इसके अंदर, देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड मैनुपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल। अब ये वही आ रही है, मैनुपुलेट करना किसी चीज़ को, और जहाँ पे मैनुपुलेट करते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। और अभी हम बात करते हैं दोस्तों एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च की बात करते हैं जी। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पे हमारा देखिए सेलेक्ट करते हैं वेरिएबल को, सेलेक्ट करते हैं मैनुपुलेट करने की बजाय सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च वहाँ पे हमारा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा क्या है दोस्तों, घटना के बाद जो शोध किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं जी। और आगे हम बात करते हैं चर में हेर फेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव और न ही वांछनीय है। ये चीज़ भी इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, जो हमारा एक्सपोर्ट फैक्टो रिसर्च है उसके अंदर हेर फेर, चरों में हेर फेर न तो संभव और न ही वांछनीय है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। हेर फेर किसके अंदर ज़रूरी होता है, हमारा एक्सपेरिमेंट के अंदर ज़रूरी होता है ना, लेकिन एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर हम हेर फेर नहीं कर सकते। ये देखिए एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च जो रिसर्च, जो घटना हमारी पहले घट चुकी है उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। जैसे मान के चलिए सुनामी आ गई, मुंबई के अंदर सुनामी आ गई और सुनामी से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। अब देखिए पास्ट में जाके हम सुनामी में हेर फेर कर सकते हैं क्या, बताओ बताओ सभी दोस्त जवाब दो, सुनामी को हम चेंज कर सकते हैं क्या, पीछे कोई भी घटना घटी है क्या उसको पास्ट में जाके हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो यानी कि इसके अंदर हेर फेर न तो संभव है, ये देखिए न तो संभव है, संभव है ही नहीं है भैया, हेर फेर करना मैनुपुलेशन करना संभव ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या आएगा, हमारा एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च वहाँ पर हमारा आएगा जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। और अब हम इसके बेस पे जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम देखते हैं जी। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज टू बी सिलेक्टेड रेदर देन मैनुपुलेट। अब ये देखिए वही बात आ गई ना, ये देखिए वेरिएबल हैज टू बी सिलेक्टेड रेदर देन मैनुपुलेट, मैनुपुलेट करने की बजाय उसे सिलेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च हमारा वहाँ पे होगा। और मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका आंसर ये रहा, है ना, आंसर 3 इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे एक और मैं दिखाता हूँ, देखिए एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब क्या है, आफ्टर द इंसिडेंट, घटना के बाद शोध किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना दोस्तों आपको जी। देखिए आगे हमारा, इन विच रिसर्च मेथड मैनुपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोल ऑफ एक्स्ट्राजेनियस वेरिएबल आर नाइदर पॉसिबल और नॉर डिजायरेबल। अब देखिए चर में हेर फेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव है और न ही वांछनीय है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, पीछे जो घटना घटी है ठीक है, क्या हम उसको हेर फेर कर सकते हैं क्या पास्ट में जाके, नहीं कर सकते ना, उनके वेरिएबल में हम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, मैनुपुलेट नहीं कर सकते, और ना ही वो वांछनीय है, ना ही वो जरूरी है, और ना ही हम कर सकते। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, ये देखिए ऑप्शन 2 है इसका, कार्योत्तर शोध, यानी कि हमारा एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च।
जी तो दोस्तों, अगर आपने एक एक चीज और सोची है, अगर हम आपको इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन बता दे, सभी कीवर्ड बता दे, रिसर्च में, आईसीटी में, कम्युनिकेशन में, सभी यूनिट में, सभी सब टॉपिक में आपको ये बता दे, ये शब्द आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन आपके लिए बार 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 एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो आप खुद बताइए कि आपका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो सकता? दोस्तों मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ आपका नेट और जेआरएफ एक ही बार में क्लियर हो जाएगा अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो। और इसके लिए दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक कोर्स तैयार किया है और उस कोर्स में हम आपको यही बताते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ऐसे कौन से कीवर्ड को आपको ध्यान रखना है जिसको देख के आप आंसर 2 सेकंड में दे सकते हैं जी। तो आप ये कोर्स हमारा ज़रूर ज्वाइन करना। इसके अंदर हम आपको 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आपको टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज दे रहे हैं, रिसर्च के अलग, आईसीटी के अलग, अलग कम्युनिकेशन के अलग, ऑल 10 यूनिट के, और साथ में आपको स्टडी नोट्स भी दे रहे हैं हिंदी इंग्लिश के अंदर। और ये जो क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश में आपको मिलेंगे दोस्तों, स्टडी नोट्स मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगे और आपको लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों जल्दी से उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप तैयारी करना, आपका नेट जरा पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा जी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करो यार, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे इसमें क्या रिपीट हो रहा है हमारा। व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लोर्ड रेदर देन मैनुपलेट, ये देखिए मैनुपलेट करने की बजाय उसे एक्सप्लोर किया जाता है, उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये देखिए ऑप्शन 1 एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हमारा राइट आंसर आ जाएगा जी। एक सिंपल सी चीज़ है इसके अंदर, जो भी चीज़ है मतलब वेरिएबल उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें हेर फेर नहीं कर सकते क्योंकि वो पास्ट में घटित हुई है चीज़ है ना जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा है ये जैसे, अच्छा एक चीज़ और होती है इसके अंदर एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ जो कीवर्ड आपको याद रखना है। देखिए इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ पॉसिबल, पॉसिबल संभावना क्या है, क्या इफेक्ट इसका पड़ने वाला है, इसके बारे में जब हम रिसर्च करते हैं तो भी हमारा एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च यहाँ पे होगा। ये देखिए यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति यहाँ पे उपयोग होगी, तो ये होगा दोस्तों एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, देखिए किसी विश्वविद्यालय के एक शिक्षक का यह विचार है कि ग्रामीण बच्चों की उपलब्धि और उनकी आकांक्षा के स्तर के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाए, इस विषय की दृष्टि से शोध की कौन सा शोध अभिकल्प सबसे उपयुक्त होगा। ये देखिए आकांक्षा, आकांक्षा की बात हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए उपलब्धि और उनकी आकांक्षा के स्तर के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाना है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। और यहाँ भी आप कीवर्ड देख सकते हैं, कीवर्ड हम इसमें देखें, कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इथेनोग्राफिक रिसर्च, इथेनोग्राफिक रिसर्च के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें रिपीट होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो भी प्रतिभागी भाग लेते हैं रिसर्च के अंदर उनको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। इम्पेरिको, इम्पेरिको मतलब अनुभव किया जाता है, जो भी उन्होंने अनुभव किया है रिसर्च के अंदर वो उसमें बताया जाता है। अंडर पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच, ये देखिए पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है और इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच के अंदर क्या होता है, अनुभव के द्वारा किसी चीज़ को सीखने का प्रयास किया जाता है इसके अंदर, और अनुभव के द्वारा ही किसी निर्णय पर हम पहुँचते हैं कि क्या ये चीज़ सही है या क्या ये गलत है, ठीक है। अब देखिए इथेनोग्राफिक रिसर्च, इससे हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और इसमें आपको क्या ध्यान रखना वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज पार्ट ऑफ, प्रतिभागी प्रेक्षण किसका भाग है, अभी मैं बता के आया हूँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इथेनोग्राफिक रिसर्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अब फिर से वही आ गई, पार्टिसिपेंट्स परस्पेक्टिव,
तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इथनोग्राफिक रिसर्च यहाँ पे राइट आंसर है। तो आपको एक चीज़ बार 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 देखने को मिलेगी। आगे हम बात करते हैं, ये देखिए इसमें इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एंड इम्पेरिको इंडक्टिव पैराडाइम इज एम्प्लॉयड। अब ये देखिए इम्पेरिको, ये देखिए आनुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान का अनुपयोग, यानी कि जहाँ पे अनुभव के द्वारा चीज़ें की जाती है तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा, इथनोग्राफिक रिसर्च हमारा राइट आंसर आ जाएगा जी। तो इस तरह से दोस्तों आपको छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर विल फिगर अंडर पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3 इथनोग्राफिक रिसर्च इसका राइट आंसर होगा जी। अब ये देखिए ये क्वेश्चन फिर से हमारा रिपीट हो गया ना, ये देखिए ये लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, 20 नवंबर 2022 यानी कि 21 है ये, 20 नवंबर 2021। तो इसमें क्वेश्चन आए, लेटेस्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, मैंने कहा था ना 2012 से 23 तक क्वेश्चन दिखाऊंगा। पार्टिसिपेंट्स प्रस्पेक्टिव ये आ गया ना, प्रतिभागी प्रेक्षण, ये देखिए प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है, तो किसमें किया जाता है हमारा, इथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर इसे किया जाता है जी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चन बार 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 एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। और आगे है दोस्तों हमारा लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, और इस रिसर्च के अंदर क्या होता है, हम किसी चीज़ का एक इंटरवल ऑफ टाइम के द्वारा उसका अध्ययन करते हैं, समय समय पर अध्ययन करते हैं, और वहाँ पर हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होता है जी। निरंतर आधार पर तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिए आवश्यक अनुसंधान डिजाइन को वर्गीकृत किया गया है, यानी कि समय समय पर, जैसे मान के चलिए 1990 के अंदर हमारी भ्रूण हत्या कितनी होती थी, 1995 में कितनी, 2000 में कितनी, हर 5 साल के बाद में हम देख रहे हैं क्या डिफरेंस आ रहा है उसके अंदर, एक कंटिन्यूटी उसमें हम बना रहे हैं। तो वहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए होगा हमारा, निरंतर आधार पर यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिजाइन हमारा वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जी। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस पीडीएफ में सभी हमने बता रखे दोस्तों, और भी हमारी रिसर्च है, हमारी वैज्ञानिक शोध है और क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है, ये सारी रिसर्च हमने इसमें करवा रखी है। तो अगर आपको ये स्टडी नोट्स चाहिए दोस्तों, जिसमें हमने टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट कीवर्ड बता रखे हैं और वीडियोस बता रखे हैं, 2012 से 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं, तो अगर आपको ये सभी लेने हैं तो आप हमारा पेड कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक चीज़ आप ज़रूर बताना दोस्तों, क्या आज आपको कुछ नया सीखने को मिला है, क्या कुछ जोश जुनून जगा है अंदर जी। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे ना पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, तो आपका नेट जीआरएफ पहली बार में ही हो जाएगा जी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जी। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताना, और एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, और आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और हम आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2023 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022-23 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे, जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका।
नंबर 7 पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सोल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7 से 8 हजार रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है। तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।